नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हर माता पिता को उम्मीद होती है कि बुढ़ापे में बच्चे सहारा बनेंगे, लेकिन ये उम्मीद तब टूट जाती है जब औलादों को माँ पिता बोझ लगने लगते हैं। राजस्थान के कोटा में एक ऐसा ही मामला सामने आया जहां एक कल योगी बेटा अपने 70 साल की मां को घर से 10 किलोमीटर दूर कोलाना गांव के जंगल में छोड़ आया। दो दिन तक बुजुर्ग महिला भूखी प्यासी जंगल में पड़ी रही क्योंकि अपने पैरों पर चल नहीं सकती थी। इस बीच बेटे को एक भी बार रहम नहीं आया कि जिसने जन्म दिया है उसका जंगली जानवरों के बीच क्या होगा। इसके बावजूद माँ का दिल देखिए कि उसे भरोसा था कि बेटा जरूर ही आएगा, लेकिन उसकी ये उम्मीद गलत थी। बेटे ने तो बुजुर्ग माँ का भरोसा तोड़ दिया, लेकिन आगे जो हुआ उससे इंसानियत पर भरोसा जरूर गहरा हो गया है। जी हाँ, आपको बता दें, महिला की मदद करने वालों में शामिल चौथमल गुर्जर ने बताया कि गांव के लोग जंगलों में जानवर चराने जाते हैं। उन्हें एक बुजुर्ग महिला के जंगल में बेसहारा पड़े होने की जानकारी मिली तो शुक्रवार को वे खाना पीना साथ लेकर जंगल में गए। वहां महिला की हालत देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। महिला नहीं चल सकती थी, करीब आधा किलोमीटर के दायरे में रेंगने के निशान थे। शायद महिला ने रेंग रेंग कर जंगल को पार करने की कोशिश की होगी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। दो दिन पहले हुई बारिश से जंगल के गड्ढों में पानी भरा हुआ था। शायद वही पानी पीकर महिला ने जंगल में दो रातें गुजारी होंगी। जंगल में पहुंचे लोगों ने महिला को पहले पानी पिलाया, फिर खाना खिलाया। बातचीत में महिला ने बताया कि वह रानपुर इलाके में अपने बेटे के साथ रहती है। दो दिन पहले बेटा रतन उसे जंगल में छोड़कर गया था। जाते समय उसने कहा था कि वापस आएगा। बातचीत में बुजुर्ग महिला ने भरोसे से कहा कि मेरा बेटा जरूर आएगा। चौथमल और उनके साथियों ने महिला के बेटे का पता लगाने के लिए रानपुर में संपर्क किया। इस बीच महिला को गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बैठाया और अपने गांव ले आए। इसी बीच महिला के बेटे रतनलाल के बारे में जानकारी की कि वह मजदूरी करता है और उसे शराब की लत है। चौथमल ने रानपुर के सरपंच और वार्ड पार्षद को पूरी बात बताई और अपने साथियों की मदद से महिला को रानपुर पहुँचाया। रानपुर पहुँचते ही चौथमल के साथियों ने रतन को खरी खरी सुनाई। इस बीच दोनों पक्षों में धक्का मुक्की भी हो गई। वहीं रतन गलती मानने के बजाय उल्टा यह कहने लगा कि माँ ही बिना बताए घर से चली गई थी। इतना सब होने के बाद भी बेटे के लिए महिला की ममता कम नहीं हुई थी और उसने अपने बेटे का ही पक्ष लिया। वालों ने मुझे बताया, सुबह मैं वहाँ पहुँचा मौके पर तो देखा तो वास्तव में एक बुजुर्ग महिला थी जिससे चला भी नहीं जा रहा था बराबर। वो अपने पैर घसीटते हुए हाथों के बल चल रही थी। वहाँ देखा तो तकरीबन एक किलोमीटर के दायरे में उसने अपने पैर घसीट रखे थे, जो निशान बकायदा दिख रहे थे। वापस वो आया नहीं। अगर समय रहते महिला को रेस्क्यू नहीं किया जाता तो शायद वो भूख प्यास से मर जाती या फिर उसे जंगली जानवर शिकार बना लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।